Hello, my dear students. Welcome back to Shiksha Classes. Today we are here to discuss about the revised, or you can say the reduced syllabus of class 10. And in this video, we will discuss about the science syllabus. और अगर आपको मैथ्स के सिलेबस के बारे में जानना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। तो अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि सीबीएसई ने आपके पूरे सिलेबस को दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया है, डेट इज टर्म वन एंड टर्म टू। यानी आपके अब क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम्स नहीं होंगे, आपके दो टर्म्स होंगे, टर्म वन एंड टर्म टू। और टर्म वन में आपको एमसीक्यू फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड टर्म टू में जो एग्जाम होगा उसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपने साथ एक शीट ऑफ पेपर और एक पेन ले लीजिए, ताकि मैं आपको जैसे बता रही हूँ, जैसे समझा रही हूँ, आप उस पेपर में लिखते जाइए। लिखने से क्या होगा, वो चीज़ें आपके माइंड में फीड हो जाएंगी, आप कभी भूलेंगे नहीं, आपको याद हो जाएगा कि हमारे टर्म वन में ये सिलेबस है एंड टर्म टू में ये सिलेबस है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत हो, दूसरा कोई भले कंफ्यूज हो जाए, आपको ये बातें पूरी क्लियर होनी चाहिए कि इन चैप्टर्स के हमें एमसीक्यू फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं एंड इन चैप्टर्स के हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप अपने साथ शीट ऑफ पेपर ले आए होंगे। तो ये है आपका टर्म वन का सिलेबस और ये है आपका टर्म टू का सिलेबस। तो टर्म वन में आपके टोटल कितने चैप्टर्स आने हैं, आइए देखते हैं। यूनिट वन में आपके, यानी कि ये यूनिट वन जो है वो केमिस्ट्री का सिलेबस है, केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं इसमें। इसमें टोटल 3 चैप्टर्स आने हैं यूनिट वन से, जो कि है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। इस यूनिट से आपके टोटल 3 चैप्टर्स आएंगे, डेट इज चैप्टर 1, 2 एंड 3। उसके बाद यूनिट टू से, जो कि बायो की यूनिट है, इससे केवल 1 चैप्टर आना है, डेट इज चैप्टर 6। और ये कौन से चैप्टर हैं, क्या है, अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे। यूनिट 3 से आपके टोटल 2 चैप्टर्स आने हैं, डेट इज चैप्टर 10 एंड 11, ठीक है। अब देखते हैं कि इन चैप्टर्स का वेटेज कितना है, यानी कि मार्क्स कितने हैं, जिसमें जिसके हिसाब से हमें प्रिपरेशन में इजी हो जाएगा कि इस चैप्टर से हमें 5 मार्क्स के लिए पढ़ना है या इससे हमें 6 मार्क्स के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं वेटेज कितना है। यूनिट वन का वेटेज है 16 मार्क्स, यानी चैप्टर वन टू एंड थ्री से टोटल आपको 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। यूनिट टू, दैट इज चैप्टर 6, जो कि बायो का चैप्टर है, इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि एक अकेले चैप्टर से, डेट इज लाइफ प्रोसेस से, आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है इसको। और नेचुरल फेनोमेना, जो कि फिजिक्स की यूनिट है, उसमें चैप्टर 10 एंड 11 से आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक। और आपके इंटरनल असेसमेंट होगा 10 मार्क्स का, इंटरनल असेसमेंट इज ऑफ 10 मार्क्स। तो ये हो गया टोटल 50 मार्क्स से आपके 10 वन के चैप्टर्स आएंगे। अब आते हैं टर्म टू पे, जो कि होगा थ्योरेटिकल फॉर्म ऑफ पेपर, जिसमें से यूनिट वन में आपके केमिकल सब्सटेंसेस से चैप्टर 4 एंड 5 आएगा, ठीक। यूनिट टू से आपका 2 चैप्टर आएगा, डेट इज चैप्टर 8 एंड 9, जो कि अगेन एक बायो का चैप्टर है। चैप्टर 4 से आपके 2 चैप्टर्स आएंगे, डेट इज चैप्टर 12 एंड 13। और यूनिट 5 से, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज है, इसमें चैप्टर 15 आएगा आपका। आइए वेटेज देखते हैं कि किसका कितना वेटेज है। यूनिट वन का आपका टर्म टू में वेटेज है 10 मार्क्स, यूनिट टू का आपका टर्म टू में वेटेज है 13 मार्क्स, यूनिट फोर में आपका वेटेज है, जो कि फिजिक्स की यूनिट है, 12 मार्क्स।
और नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें कि दो चैप्टर्स हैं, आप अगर बुक्स देखेंगे अपनी एनसीईआरटी तो उसमें दो चैप्टर प्रेजेंट है, जिसमें कि सिर्फ एक चैप्टर जो कि चैप्टर 15 है वो आपका टर्म 2 में आना है और इसका वेटेज है 5 मार्क्स। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर 16, जिसका नाम है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपके किसी भी टर्म में नहीं आएगा, ना कि एमसीक्यू में ना कि थ्योरेटिकल में, ये आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए है, जो आपको कुछ उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स या कुछ भी आपके स्कूल में दिया जाएगा वो चैप्टर आपको एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, उसे आपको इंटरनल असेसमेंट के लिए पढ़ना है। ठीक है, ये टोटल हुआ 40 मार्क्स और इसका भी इंटरनल असेसमेंट है 10 मार्क्स का। टोटल 50 मार्क्स यानी 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो ये है आपका कोर्स स्ट्रक्चर कि कितने चैप्टर्स का, किस चैप्टर का क्या वेटेज है। आई होप आपको क्लियर होगा, हो गया होगा। आगे हम देखते हैं कि किस चैप्टर से क्या पोर्शन डिलीट हुआ है, क्या रिड्यूस हुआ है, क्या आपको नहीं पढ़ना है, कौन सी एक्सरसाइजेस आपको नहीं लगानी है, तो आगे देखते हैं। टर्म 1 के यूनिट 1 में आपके 3 चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री का यूनिट है ये। चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इसमें कोई भी रिडक्शन नहीं है, तो एज इट इज जैसे आप पढ़ते आए हैं वैसे ही पढ़िए, बस इसके जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू फॉर्म में प्रिपेयर करिए। चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में भी कोई रिडक्शन नहीं है, इसको भी एज इट इज ही पढ़ना है। चैप्टर 3 दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल्स, इसमें 2 टॉपिक्स रिड्यूस किए गए हैं, जो कि है बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस और कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ठीक है, इसके 2 टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं, ये 2 टॉपिक्स के 2 बैक एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस भी आपको नहीं पढ़ने हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8 और 10। कोरोजन बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो अगर आप आगे साइंस लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगी कि इसको मत छोड़िए, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यूनिट 1st के 3 चैप्टर में से 2 में कोई रिडक्शन नहीं है और 3rd में सिर्फ 2 छोटे से टॉपिक का रिडक्शन है, जो कि मैंने बता दिया, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस एंड कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं यूनिट 2 में क्या। यूनिट 2 जो कि है वर्ड ऑफ लिविंग, जो कि बायो की यूनिट है, उसमें चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस में कोई रिडक्शन नहीं है। ठीक है, और इसका एक और चैप्टर था जो कि था नेचर एंड कोऑर्डिनेशन करके, नर्व्स एंड कोऑर्डिनेशन के, जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि चैप्टर पूरा हटा दिया गया है, उसको आपको नहीं पढ़ना है, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत टफ भी था, वो आपको अब नहीं पढ़ना है। तो यूनिट 2 में सिर्फ 1 चैप्टर आपको पढ़ना है, दैट इज लाइफ प्रोसेस। यूनिट 3 में आपको नेचुरल फेनोमेना, जो कि फिजिक्स का यूनिट है, उसमें चैप्टर 10 में जो कि है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें से सिर्फ लेंस का और लेंस फॉर्मूला और मिरर का जो डेरिवेशन है वो हटा दिया गया है, वो आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चैप्टर 11 जो कि ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ड था, तो इसमें से जो ह्यूमन आई वाला पोर्शन है वो आपको नहीं पढ़ना है, और जो आगे कलरफुल वर्ड वाला पोर्शन था वो सिर्फ आपको पढ़ना है। मीन्स आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 186 से 192 तक आपको नहीं पढ़ना है, और जो बैक एक्सरसाइजेस है वहाँ से क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपको नहीं लगाने हैं। ठीक है, आई होप आपको टर्म 1 की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब आते हैं टर्म 2 के सिलेबस पे, जो कि आपको थ्योरी पोर्शन में पढ़ना है। ठीक है, तो लेट्स सी द पोर्शन ऑफ टर्म 2, ये देखते हैं टर्म 2 सिलेबस को। टर्म 2 में आपका यूनिट 1 दैट इज केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, इसमें आपके 2 चैप्टर्स हैं, दैट इज चैप्टर 4 एंड 5। चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से ये सारी चीज़ें रिड्यूस की गई हैं, जो कि है नॉमन क्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, सोप्स एंड डिटर्जेंट, ये टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं। और बैक एक्सरसाइज में आपको 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15 ये क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं चैप्टर 5
जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें से कोई रिडक्शन नहीं है, आपको एज इट इज पढ़ना है। यूनिट टू जो कि बायो की यूनिट है, वर्ड ऑफ लिविंग में दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 11 और चैप्टर 9। तो चैप्टर 11 दैट इज हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये इसमें से कोई रिडक्शन नहीं है, ये आपको एज इट इज पढ़ने हैं। और चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में से एक टॉपिक रिड्यूस हुआ है, जो एवोल्यूशन वाला पार्ट है वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। नाउ कम टू द यूनिट 4 जो कि फिजिक्स की यूनिट है, उसका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से भी दो छोटे टॉपिक रिड्यूस हुए हैं जो कि है इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और चैप्टर 15 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में से इलेक्ट्रिक जनरेटर आपको नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट करंट आपको नहीं करना है, ऑल्टरनेटिंग करंट आपको नहीं करना है, एडवांटेजेस ओवर ऑफ एसी ओवर डीसी आपको नहीं करना है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट भी आपको नहीं करना है। और इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस जो कि बैक एक्सरसाइजेस है, उसके क्वेश्चन 4, 5, 16, 17, 18 आपको नहीं करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं यूनिट 5 पे जो कि है नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें कि मैंने पहले भी बताया इसमें दो चैप्टर्स थे, आवर एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें सस्टेनेबल मैनेजमेंट आपको किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, उसे आपको इंटरनल असेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना है। और जो चैप्टर है टर्म 2 में आवर एनवायरनमेंट, इसमें से कोई रिडक्शन नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि कौन से चैप्टर आपको टर्म 1 में पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर आपको टर्म 2 में पढ़ने हैं। कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।